हेलो एवरीवन, सो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर डेली लाइव करंट अफेयर शो। और आज हम मेनली डिस्कस करेंगे टॉप 15 क्वेश्चंस। पिछले पूरे हफ्ते के जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज और अपडेट्स हैं उनमें हमारा ये करंट अफेयर्स का क्विज शो, जो हम वीकली आपके लिए सैटरडे को लेके आते हैं। तो आपको क्या करना है, आउट ऑफ 15 क्वेश्चंस आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट रहे ये मेरे को आपको एंड में बताना है। तो सभी 15 क्वेश्चंस को एक एक करके डिस्कस करते हैं, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। So, पहला क्वेश्चन आज का हमारा है, Who has been selected as the title sponsor of the Women's T20 Challenge? जो भी देखिए चल भी रहा है, आपको पता है, तो T20 IPL का तो चल ही रहा है, इसके अलावा ये वाला जो अब है Women's T20 Challenge, उसका टाइटल स्पॉन्सर कौन है, एयरटेल, जियो, ओप्पो या वीवो? तो इसका जो देखिए करेक्ट आंसर है वो है बी ऑप्शन, यानी जियो। तो जियो ने इसको मेनली स्पॉन्सर किया है, जो वुमेन्स T20 चैलेंज चल रहा है अभी, ये भी दुबई के अंदर ही चल रहा है, UAE के अंदर, जिस तरीके से IPL चल रहा है, ठीक है ना? तो इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, जियो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच चेन्नई सुपर किंग्स क्रिकेटर अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट? क्या वो एमएस धोनी है, ड्वेन ब्रावो है, शेन वाटसन है या इमरान ताहिर है? चारों के चारों देखिए चेन्नई सुपर किंग्स टीम के से बिलोंग करते हैं, क्रिकेटर है। तो इसका जो देखिए करेक्ट आंसर है वो सी ऑप्शन है, यानी शेन वाटसन, ठीक है। ये ऑस्ट्रेलिया टीम से बेसिकली आते हैं, और खैर इंटरनेशनल क्रिकेट से तो काफी टाइम हो गया इन्होंने रिटायरमेंट लिए हुए, लेकिन अब जो बाकी के जितने भी T20 लीग्स खेला करते थे, जैसे यहाँ पे चेन्नई सुपर किंग्स और बाकी भी कंट्रीज के अंदर, तो अब उन्होंने जो है सभी फॉर्म से रिटायरमेंट ले लिया, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, शेन वाटसन। आगे बात करते हैं, इसके बारे में देखिए मैंने आपको बताया भी था पहले, कोई जब हम डेली जो करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं उसके अंदर भी, कि विच नेशन ज्वाइंट इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स एंड जापान इन मालाबार एक्सरसाइज? क्या वो फ्रांस है, ऑस्ट्रेलिया है, यूनाइटेड किंगडम है या जर्मनी है, ठीक है। सो इसका जो देखिए करेक्ट आंसर है वो है बी ऑप्शन, यानी ऑस्ट्रेलिया। क्योंकि पहले अगर हम बात करें तो ये 1992 के अराउंड ये मालाबार एक्सरसाइज स्टार्ट हुई थी, इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में ही पहले हुआ करती थी, नेवी एक्सरसाइज है, नेवल एक्सरसाइज। फिर उसके बाद 2015 में जो है जापान ने इसको ज्वाइन किया, और 2020 में जो है पहली बार ऑस्ट्रेलिया इसके अंदर पार्टिसिपेट करने जा रहा है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, यानी ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया ने जो है इस बार पार्टिसिपेट किया है मालाबार एक्सरसाइज के अंदर विद इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स एंड जापान, और इसका भी फर्स्ट फेज चल भी रहा है, मतलब अराउंड अब तो 6 तक था वो, 6 नवंबर तक, ठीक है। उसका सेकंड फेज जो है वो नवंबर के सेकंड हाफ के अंदर है, तो उसमें वो भी जब स्टार्ट होगा तो मैं उसके बारे में आपको अपडेट कर दूंगा। आगे बात करते हैं, लेजेंडरी वायलिनिस्ट रह चुके TN कृष्णन, उनके भी हाल ही में 2 नवंबर को डेथ हुई थी, उनमें से देखिए इनमें से उनको कौन सा अवार्ड मिला हुआ है? क्या उन्हें भारत रत्न अवार्ड मिला हुआ है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण या पद्मश्री, ठीक है। तो इसका जो देखिए करेक्ट आंसर है वो सी ऑप्शन है, उन्हें पद्म भूषण अवार्ड मिला हुआ है, ठीक है। आपको मैंने बताया ये वायलिनिस्ट थे काफी ग्रेट, ठीक है, और इनका एक बहुत अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन है, और बिल्कुल ये अपने बिल्कुल स्टार्टिंग में ही इन्होंने वायलिन को एक काफी अच्छा मतलब प्ले करते थे, स्टार्टिंग से इन्होंने इसको करियर बना लिया था अपना, और उनकी अनफॉर्चुनेटली 2 नवंबर को डेथ हो गई। उन्हें पद्म भूषण अवार्ड, सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5th, विच बैंक रिकॉर्डेड अ 52% इंक्रीज इन इट्स प्रॉफिट इन द सेकंड क्वार्टर इन द करंट फिस्कल, ठीक है। इसके आंसर्स देखिए नोट डाउन भी करते चलाए, जैसे मैंने आपको बताया मोस्टली कोशिश तो हमारी रहती है कि हम करंट अफेयर्स के शो जो मंडे टू फ्राइडे होता है डिटेल में वहां डिस्कस कर ले, लेकिन जो बच भी जाते हैं कुछ तो वो हम सैटरडे को इस तरीके से क्विज की फॉर्म में भी डिस्कस कर लेते हैं, तो इन्हें भी नोट डाउन करते रहे। इसका करेक्ट आंसर सर, चार ऑप्शन है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, PNB, कैनरा बैंक या बैंक ऑफ बड़ौदा। तो किसने सेकंड क्वार्टर में 52% का प्रॉफिट जो है इंक्रीज इन प्रॉफिट रिकॉर्ड किया है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है। और हाल ही में इनके जो चेयरमैन है, जो हाईएस्ट अथॉरिटी होती है इन द बैंक, MD एंड CEO जो है बेसिकली, वो चेंज हुए, तो उनका भी अपना नाम नोट डाउन कर लेना, और इसका करेक्ट आंसर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। सो नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में किस स्टेट ने अनाउंस किया है 100% का टैक्स एग्जम्पशन फॉर ई व्हीकल्स, यानी जो आपको आपको रोड टैक्स देना पड़ता है और भी बाकी जितने भी तरीके के टैक्स होते हैं जब आप कोई व्हीकल परचेज करते हैं, तो किस स्टेट ने अनाउंस किया कि 100% टैक्स एग्जम्पशन, यानी आपको बिल्कुल भी गवर्नमेंट को टैक्स देने की जरूरत नहीं है अगर आप ई व्हीकल्स परचेज करते हैं, क्या वो दिल्ली है, महाराष्ट्र है, पंजाब है या तमिलनाडु है? इसका करेक्ट आंसर है देखिए डी ऑप्शन, यानी तमिलनाडु ने भी हाल ही में अनाउंस किया है 100% का टैक्स एग्जम्पशन फॉर ई व्हीकल्स, ठीक है। इसके अलावा दिल्ली में और NCR में भी आप देखेंगे काफी ज्यादा जो है ई व्हीकल्स को प्रमोट किया जा रहा है, आपको उधर पोल्यूशन एक बहुत बड़ा इशू है खासकर नॉर्दर्न एरियाज में। नेक्स्ट अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 7th, हु हैज बीन कन्फर्ड द ऑनरी रैंक ऑफ जनरल ऑफ द नेपाली आर्मी बाय प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी,
तो नेपाल की जो प्रेसिडेंट है विद्या देवी भंडारी, उन्होंने किनको कॉन्फर किया है ऑनररी रैंक ऑफ जनरल ऑफ द नेपाली आर्मी? क्या वो सीडीएस जनरल बिपिन रावत है, इंडियन आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे है, एयर चीफ मार्शल राकेश भदौरिया है या एडमायरल करमबीर सिंह है? देखिए ऑब्वियसली बात है क्योंकि नेपाली आर्मी का जो जनरल का पोजीशन है ज्यादातर, देखिए ऑब्वियसली बात है जो आर्मी के चीफ है जनरल एमएम नरवणे उन्हें ही ये देखिए मिलना था, ठीक है ना। इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, क्योंकि सीडीएस जो है जनरल बिपिन रावत वो तो आपको पता है ये पोस्ट तो अभी भी क्रिएट की गई है इंडिया के अंदर, इससे पहले कोई सीडीएस नहीं हुआ करते थे। तो ये तो बेसिकली तरीके से कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए तीनों जो हमारे आर्मी एयरफोर्स और नेवी है उनके बीच के लिए ये पोस्ट क्रिएट की गई थी। अगर बात करें तो इसका करेक्ट आंसर है क्योंकि नेपाली आर्मी के ऑब्वियसली बात है आर्मी के जो चीफ है इंडिया के उन्हें ही ये पोजीशन दी जाएगी। इसके अलावा एयर चीफ मार्शल वैसे आप इनका नाम नोट डाउन कर सकते हैं, वो है एट प्रेजेंट राकेश भदौरिया, जो नेवी के चीफ है वो है एडमायरल करमबीर सिंह। इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, इंडिया का ने भी हाल ही में एक एमओयू साइन किया है किस देश के साथ, आपको बताना है, टू डेवलप साइंटिफिक एंड टेक्निकल कोलैबोरेशंस इन द एस्ट्रोनॉमी फील्ड। एस्ट्रोनॉमी मतलब जो हम स्पेस की स्टडी करते हैं या स्टार्स वगैरह की स्टडी, उसके लिए स्पेन, फ्रांस, इटली या यूनाइटेड किंगडम। तो इसका करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, यानी स्पेन के साथ एमओयू हाल ही में साइन किया गया है ताकि एस्ट्रोनॉमी फील्ड में और ज्यादा अच्छा कर पाए। और ठीक है, इंडिया का भी देखिए जो इसरो है वो काफी ज्यादा अच्छे तरीके से आज के टाइम पे स्पेस की फील्ड में काम कर रहा है, तो स्पेन के साथ अब ये कोलैबोरेशन किया गया है एस्ट्रोनॉमी फील्ड को और ज्यादा डेवलप करने के लिए, ठीक है, या और ज्यादा इसको एक तरीके से और ज्यादा रिसर्च करने के लिए जो है एस्ट्रोनॉमी फील्ड में ये एमओयू साइन किया गया। आगे बात करते हैं किस स्टेट या यूटी यूनियन टेरिटरी में हाल ही में फायर क्रैकर्स जो होते हैं उन पर बैन लगाया है आफ्टर राजस्थान। तो सबसे पहले तो देखिए राजस्थान स्टेट ने लगाया था, उसके बाद किसने लगाया, पंजाब, दिल्ली, महाराष्ट्र या झारखंड। तो हाल ही में देखिए दिल्ली की जो स्टेट है, दिल्ली जो यूटी है बेसिकली, उसके जो चीफ मिनिस्टर है अरविंद केजरीवाल, उन्होंने अनाउंस किया है फायर क्रैकर्स पर बैन। और आपको मैंने बताया पोल्यूशन का इशू इस टाइम पे नॉर्दर्न एरियाज में खासकर दिल्ली एनसीआर में काफी ज्यादा है, तो ये ध्यान में रखते हुए इस बार फायर क्रैकर्स है। दूसरे या ग्रीन फायर क्रैकर्स होते हैं उन पर भी इस बार बैन लगाया गया, इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन। सबसे पहले राजस्थान ने लगाया था और उसके बाद दिल्ली ने, उसके बाद भी देखिए एक दो स्टेट्स और भी सुनने में आ रहा है कि वो भी अब इस पे बैन लगाने वाले हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10th, द नेवीज ऑफ विच टू नेशंस जॉइंटली लॉन्च कैराट नेवल एक्सरसाइज। सो कैराट नेवल एक्सरसाइज किन दो देशों की नेवीज ने जॉइंटली लॉन्च किया है, क्या इंडिया श्रीलंका, इंडिया बांग्लादेश, यूएस बांग्लादेश या यूएस श्रीलंका? तो इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, यूएस और बांग्लादेश की जो नेवीज है उन्होंने मिलकर ये जॉइंटली एक्सरसाइज लॉन्च किया है जिसका नाम है कैराट, CARAT, इसको नाम नोट डाउन कर ले। आगे बात करते हैं सऊदी अरेबिया की एक कंपनी है पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड PIF, उन्होंने हाल ही में रिलायंस रिटेल के अंदर कितना स्टेक परचेज किया है या करने जा रहे हैं, क्या 3.06%, 1.5%, 2% या 2.04%? तो इसका करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, यानी 2.04% का जो स्टेक है वो रिलायंस रिटेल के अंदर सऊदी अरेबिया की एक कंपनी PIF लेने जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12, इसरो कौन सी जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है EOS-01 वो इनमें से किस डेट को लॉन्च करने जा रहा है, इसके बारे में देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था 7 नवंबर, 8 नवंबर, 9 या 10। तो आज यानी 7 नवंबर को जो है ये अब तक जब मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ तो अब तक लॉन्च कर भी दी गई होगी, ठीक है, आफ्टरनून में करनी थी। सो ये सैटेलाइट आज ही लॉन्च करनी थी 7 नवंबर को इसरो ने EOS-01 यानी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, और ये एग्रीकल्चर की फील्ड में काफी ज्यादा मदद करेगी ये सैटेलाइट, क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं विच स्टेट हैज पास्ड अ बिल प्रोवाइडिंग 75% रिजर्वेशन टू लोकल कैंडिडेट्स इन प्राइवेट सेक्टर जॉब्स। देखिए अभी तक आपको पता है गवर्नमेंट सेक्टर जॉब्स के बारे में आपको आपने रिजर्वेशन के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन पहली बार है जब किसी प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी जो है रिजर्वेशन अनाउंस किया गया, मतलब 75% जो जॉब्स है प्राइवेट सेक्टर के अंदर वो भी सिर्फ हरियाणा, सॉरी मैंने आंसर भी बता दिया, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है, यानी हरियाणा ने ये पास किया है बिल जिसके तहत 75% जो रिजर्वेशन है वो प्राइवेट सेक्टर जॉब्स के अंदर भी मिलेगा। तो यानी अगर आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं तो जितने भी प्राइवेट सेक्टर अपॉर्चुनिटीज है उसके अंदर देखिए कुछ कंडीशंस है सैलरी और किन किन एरियाज के अंदर ये रिजर्वेशन रहेगा, तो 75% लेकिन ये कैपिंग रखी गई है हरियाणा ने, ठीक है। और खासकर कोविड के बाद जो आपको पता है बहुत सारे लोग की जॉब गई थी उसको ध्यान में रखते हुए ये डिसीजन लिया गया। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, किस नेशन ने अभी एमओयू साइन किया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी SII के साथ 3 करोड़ COVID-19 की वैक्सीन डोजेस के लिए? आपको पता है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया काफी बड़े लेवल पर वैक्सीन को प्रोड्यूस कर रहा है, तो
तो किस देश ने ये एमओयू साइन किया है कि उनको 3 करोड़ COVID-19 वैक्सीन जो है वो प्रोवाइड की जाए। एक बार देखिए, अभी काफी आगे स्टेजेस तक पहुंच गया है वैक्सीन के डेवलपमेंट का काम, मैंने आपको बताया भी था। तो उम्मीद की जा रही है कि अगले साल यानी 2021 में फरवरी या अप्रैल तक जो है इसकी बड़े लेवल पर प्रोडक्शन स्टार्ट होके देना भी शुरू हो जाएगा। खासकर जो सबसे पहले फ्रंटलाइन वर्कर्स है उनको सबसे पहले डोजेस दी जाएंगी। तो अभी ये देखिए 3 करोड़ का ये वैक्सीन प्रोवाइड की जाए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा, तो किस नेशन ने ये एमओयू साइन किया है? मालदीव्स, मॉरिशियस, बांग्लादेश या इंडोनेशिया? इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, यानी बांग्लादेश ने एमओयू साइन किया है कि एक बार अगर वैक्सीन जब अप्रूव हो जाती है तो उसका 3 करोड़ डोजेस जो है वो इनको प्रोवाइड की जाए। और आखिरी क्वेश्चन आज का हमारा है, विच मैसेजिंग प्लेटफॉर्म हैज लॉन्च्ड इट्स ओन यूपीआई पेमेंट फीचर इन इंडिया? देखिए कल की न्यूज है, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, वीचैट या फेसबुक मैसेंजर? तो इसका करेक्ट आंसर है व्हाट्सएप। व्हाट्सएप काफी टाइम से इस पे काम कर रहा था, पहले इन्होंने इस फीचर को ब्राजील के अंदर लॉन्च किया था और अभी कुछ सेट ऑफ यूजर्स के लिए इस यूपीआई पेमेंट फीचर को लॉन्च किया गया। ऐसा नहीं है कि सब के सब, अगर आप अपना सबसे पहले तो व्हाट्सएप डेट कर ले, अगर आपको जैसे मैंने खुद किया था तो मेरे पास तो अभी ऑप्शन नहीं आ रहा, लेकिन कुछ अभी सेट ऑफ यूजर्स के लिए ये अभी फेज वन के अंदर स्टार्ट किया गया और अगर सक्सेसफुल रहता है तो फिर इसे सभी यूजर्स के लिए ओपन कर दिया जाएगा। अभी कुछ पर्टिकुलर सेट ऑफ यूजर्स के लिए ही किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर है व्हाट्सएप। तो आप व्हाट्सएप के थ्रू भी जो है इजिली आप पेमेंट आगे कर पाएंगे, जैसे बाकी के आप अभी पेटीएम यूज करते हैं, फोन पे यूज करते हैं, तो उसी तरीके से व्हाट्सएप से और ज्यादा ईजी हो जाएगा, आप अपने कॉन्टेक्ट्स वगैरह को अगर पैसे ट्रांसफर करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पिछले पूरे हफ्ते के। ठीक है, और कोशिश यही रहती है कि देखिए जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस कर सकूं तो आप इन्हें जरूर नोट डाउन करते चला करें। अपार्ट फ्रॉम इट आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं, आपको पता है takshilalearning.com, वो भी जरूर विजिट करें। वहां भी आपको डेली जो हम करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं उन्हें ब्लॉग की फॉर्म में भी हम वहां पे पब्लिश करते हैं, तो वहां से भी आप नोट डाउन कर सकते हैं इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स। और इसी तरीके से डेली आपको हमारा एक करंट अफेयर्स का शो और बाकी भी देखिए क्वांट रीजनिंग इंग्लिश की वीडियोस भी हम रेगुलर बेसिस पे आपके लिए लेके आते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।